Dear students, good morning all of you, and I hope that all of you will be fine and safe at home. Dear students, don't waste your precious time sitting at home. As you know, time and tide wait for none. They come and go in their own ways. Time once gone is gone forever. It never comes back. Dear students, don't waste your precious time sitting at home. Sitting at home, to use your time to read your books prescribed by the government. Dear students, look on the blackboard. मैं आप लोगों को पिछली टॉपिक में, पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया था. आज मैं आप लोग को दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट इनविटेशन. इनविटेशन, व्हाट इज इनविटेशन, व्हाट इज मीनिंग्स ऑफ इनविटेशन, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ इनविटेशन, हाउ टू सॉल्व फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड. इनविटेशन ब्लैकबोर्ड पर देखना बच्चों. देखो मैंने यहां पे लिखा है आई एन वी आई टी ए टी आई ओ एन. इस इनविटेशन का मतलब होता है निमंत्रण. ध्यान देना बच्चों, निमंत्रण. इस इनविटेशन का मतलब होता है निमंत्रण. तो हमारे सामने 300 प्रश्न बनते हैं. What is invitation? Invitation क्या है? What do you understand about invitation? Yeah, what do you understand from invitation? And what is the meaning of invitation? तो ब्लैकबोर्ड पर देखना बच्चों. जैसे यहां पे प्रश्न हुआ सबसे पहले कि what is in a invitation? ब्लैकबोर्ड पर देखना. What का मतलब था क्या? Is a invitation. अर्थात invitation क्या है? यानी invitation से आप क्या समझते हो? या invitation का अर्थ है अब क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं सबसे पहले आपको समझाने जा रहा हूं कि इस invitation का यानी अर्थात इस निमंत्रण का अर्थ क्या होता है. यानी निमंत्रण है, कहते किसे हैं? यस, ब्लैकबोर्ड पे देखना बच्चों. ये मैं आपको बता रहा हूं कि इनविटेशन यानी निमंत्रण किसे कहते हैं. ब्लैकबोर्ड पे देखो. मैन अ इज अ सोशल अक्री अ एचर. ब्लैकबोर्ड पे देखना बच्चों. मैन का मतलब होता है मानव. यहां पे संपूर्ण मानव जाति के लिए क्या जा रहा? इज अ सोशल का मतलब होता है सामाजिक. क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी. यानी मानव एक सामाजिक है, प्राणी है. एंड का मतलब होता और. ही का उपयोग बच्चों यहां पे मैन के लिए किया गया है. एंड ही लिप्स है. लिप्स का मतलब होता है रहता है. And he lives in a society. Society का मतलब होता है समाज. And का मतलब होता और. He का मतलब होता man, आदमी. Lives in society का मतलब होता है समाज में. और आदमी जो है समाज में रहता है. पहला सेंटेंस बच्चों, आदमी एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहता है. वेन ई भर है, वेन अ ई भर है, अ एट है. वेन ई भर एट हिज है, अ हाउस है. हाउस का मतलब होता बच्चों घर है. वेन ई भर का मतलब होता जब कभी भी. एट हिज हाउस का मतलब होता उसके घर पर. किसके घर पर है? इस मैन का मतलब होता आदमी के घर पर. एनी अ टाइप है. एनी टाइप
आव से र अ मनी आर अ से ले अ ब अ रेशन अ इज अ हेल्ड ब्लैकबोर्ड पे देखना बच्चों यहां पे करा वेन इवर का मतलब होता है जब कभी भी एट हिज हाउस है हाउस का मतलब होता घर है यानी जब कभी भी उसके घर पर है किसके घर पर है इस मैन का मतलब होता है आदमी के घर पे एनी टाइप आओ का मतलब होता किसी भी प्रकार का सेरेमनी का मतलब होता है समारोह आर आर का मतलब होता थवा सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव जब कभी भी उसके घर पर है किसी भी प्रकार का समारोह अथवा उत्सव इज हेल्ड का मतलब होता आयोजन होना जब कभी भी उसके घर पर है किसी भी प्रकार के समारोह या उत्सव का आयोजन है होता है आगे क्या करें बच्चों तो ही का मतलब होता है मानव ही वांट्स का मतलब होता है वह चाहता है ही वांट्स टू इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना वह आमंत्रित करना चाहता है किसे हिज का मतलब होता अपने फ्रेंड्स है फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्तों को कामा रीले टिप्स है रिलेटिव्स का मतलब सगे संबंधियों को एंड है फेमिलियर का मतलब होता बच्चों परिचितों को तो वह अपने ही वांट्स है ही का मतलब होता मानव वांट्स का मतलब होता चाहता है इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना हिज फ्रेंड का मतलब वह अपने दोस्तों को आमंत्रित करना चाहता है रिलेटिव्स है का मतलब होता है सगे संबंधियों को आमंत्रित करना चाहता है एंड फेमिलियर्स है फेमिलियर्स का मतलब होता वह अपने परिचितों को आमंत्रित है करना चाहता है अर्थात जिस दिन उसके घर पे वह उत्सव है समारोह का आयोजन है उसी दिन वह अपने घर पर है अपने दोस्तों सगे संबंधियों और परिचितों को आमंत्रित है करना चाहता है आगे बच्चों टू कॉल है कॉल का मतलब होता है पुकारना या बुलाना टू कॉल है देम का मतलब होता है उनको इस देम का उपयोग बच्चों यहां पे फ्रेंड्स का मतलब होता दोस्तों के लिए आया है रिलेटिव्स का मतलब सगे संबंधियों के लिए आया है एंड फेमिलियर्स का मतलब परिचितों के लिए आया है तो टू कॉल देम उन्हें बुलाने के लिए किसे बुलाने के लिए अपने दोस्तों सगे संबंधियों और अपने परिचितों को बुलाने के लिए ही यूजेस है यूजेस का मतलब उपयोग करता है विच का मतलब होता है जिस है लेटर का मतलब होता है पत्र है वो जिस पत्र का उपयोग करता है दैट लेटर का मतलब होता है उसी पत्र को इज है कॉल्ड का मतलब होता है पुकारा जाता है इन अ वी अ टे अ सन अ लेटर बाई द अ पीपल अ आव अ सो अ साइटी ब्लैकबोर्ड पे देखो बच्चों टू कॉल देम कॉल का मतलब होता है पुकारने के लिए देम का मतलब होता है उनको अपने दोस्तों सगे संबंधियों या अपने परिचितों को बुलाने के लिए ही का मतलब होता है मैन मैन का मतलब होता आदमी यूजेज का मतलब होता है उपयोग करता है विच का मतलब होता जिस है लेटर का मतलब होता पत्र है इन्हें उन्हें बुलाने के लिए वह जिस है पत्र का उपयोग करता है दैट लेटर का मतलब होता है उसी पत्र को इज कॉल्ड का मतलब पुकारा जाता है इनविटेशन लेटर का मतलब आमंत्रण पत्र है उसी पत्र को आमंत्रण पत्र है या निमंत्रण पत्र है कह करके पुकारा जाता है बाई का मतलब होता के द्वारा द पीपल ऑफ सोसाइटी द पीपल ऑफ सोसाइटी का मतलब समाज के लोगों के द्वारा उसी पत्र को
निमंत्रण पत्र कह करके पुकारा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन फिर से एक बार देखो, मैं यहां पे बच्चों आपको इस इनविटेशन का अर्थ बता रहा हूं कि इनविटेशन कहते किसे हैं। फिर से एक बार देखो ब्लैक बोर्ड पे, मैन का मतलब होता है आदमी, इज अ सोशल का मतलब होता है सामाजिक, क्रिएचर का मतलब होता प्राणी, यानी मानव एक सामाजिक प्राणी है। यस बच्चों, मैन इज अ सोशल क्रिएचर, मानव एक सामाजिक प्राणी है। आगे एंड का मतलब होता और है, ही का मतलब होता हुआ कौन बच्चों, यहां पे मैन का मतलब मानव के लिए आया है। ही लिव्स का मतलब होता है रहता है, इन का मतलब होता मैं, सोसाइटी का मतलब समाज, और वह समाज में रहता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहता है। आगे वेन ईवर का मतलब जब कभी भी, एट हिज हाउस है, हाउस का मतलब होता घर पर, जब कभी भी उसके घर पर है, एनी टाइप ऑफ सेरेमनी, इन किसी भी प्रकार का समारोह, आर अथवा सेलिब्रेशन का मतलब उत्सव, इज हेल्ड का मतलब आयोजन होना, जब कभी भी उसके घर पर है, किसी भी प्रकार के समारोह या उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ही का मतलब होता वह कौन बच्चों, मैन का मतलब मानव आदमी, वंस का मतलब होता है चाहता है, तो वह चाहता है, टू इनवाइट का मतलब आमंत्रित करना किसे, हिज फ्रेंड्स का मतलब होता है वह अपने दोस्तों को आमंत्रित करना चाहता है, रिलेटिव्स का मतलब होता है सगे संबंधियों को आमंत्रित करना चाहता है, फेमिलियर का मतलब होता है वह अपने अपरिचितों को आमंत्रित करना चाहता है, इन उस दिन उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वह अपने दोस्तों सगे संबंधियों और अपने परिचितों को आमंत्रित करता है। अब देखो बच्चों, टू कॉल है, कॉल का मतलब बुलाने के लिए, देम का मतलब होता उनको, किनको, यहां पे बच्चों फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, एंड है फेमिलियर्स है। ही यूजेस, यूजेस का मतलब होता उपयोग करता है, विच का मतलब होता जिस है, लेटर का मतलब होता पत्र है, उन्हें बुलाने के लिए वह जिस है पत्र का उपयोग करता है, दैट लेटर का मतलब उसी पत्र को, इज कॉल्ड का मतलब पुकारा जाता है, इनविटेशन लेटर का मतलब आमंत्रण पत्र है, उन्हें बुलाने के लिए वह जिस है पत्र का उपयोग करता है उसी पत्र को आमंत्रण पत्र कह करके पुकारा जाता है। वही का मतलब होता है के द्वारा, द पीपल ऑफ सोसाइटी, यानी समाज के लोगों के द्वारा उसी पत्र को आमंत्रण पत्र अथवा निमंत्रण पत्र कह करके पुकारा जाता है। यस बच्चों, तो मैं यहां पे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहां पे बताया इस इनविटेशन की हिंदी क्या होती है, निमंत्रण, इनविटेशन कहते किसे हैं, इन व्हाट इज इनविटेशन, इन इनविटेशन क्या है, इनविटेशन कहते किसे हैं। मैं यहां पे बच्चों आपको इस इनविटेशन का अर्थ बता दिया कि इनविटेशन कहते किसे हैं। एक बार हिंदी में सुन लेना, यहां पे लिखा हूं मैन इज अ सोशल क्रिएचर, मानव एक सामाजिक प्राणी है, ही लिव्स इन सोसाइटी, और वह समाज में रहता है, जब कभी भी उसके घर पर किसी भी प्रकार के समारोह अथवा उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो ही वांट्स है, वह चाहता है, इनवाइट का मतलब आमंत्रित करना, अपने दोस्तों सगे संबंधियों और अपने परिचितों को वह आमंत्रित करना चाहता है,
टू कॉल देम, उन्हें बुलाने के लिए ही यूजेज विच लेटर, उन्हें बुलाने के लिए वो जिस पत्र का उपयोग करता है उसी पत्र को आमंत्रण पत्र कह करके पुकारा जाता है। बाई द पीपल आवर सोसाइटी, समाज के लोगों के द्वारा। यस बच्चों, अब मैं आप लोगों से आशा कर रहा हूं कि इनविटेशन की हिंदी क्या है यह आपको पता चल गई। इनविटेशन कहते किसे हैं आप बता लोगे। अब मैं दूसरे खंड पे आ रहा हूं, काइंड्स ऑफ इनविटेशन या टाइप्स ऑफ इनविटेशन, अर्थात इनविटेशन कितने प्रकार के होते हैं। लो बच्चों, हाँ देखना बच्चों ब्लैक बोर्ड पे, मैं यहां पे दूसरा खंड उठा रहा हूं आपका, काइंड्स है आव है अ इन वी अटेशन, ब्लैक बोर्ड पे देखना। इस काइंड्स का मतलब होता बच्चों प्रकार, इस आव का मतलब होता काके की, इनविटेशन का मतलब होता है आमंत्रण अर्थात निमंत्रण, निमंत्रण के प्रकार। इसे बच्चों हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं टाइप है, टाइप्स है अ आव है अ इन है अ वी अटेशन। ब्लैक बोर्ड पर देखो बच्चों, इस टाइप्स का मतलब भी होता है प्रकार, आव का मतलब होता है काके की, इनविटेशन का मतलब निमंत्रण है, निमंत्रण के प्रकार। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इनविटेशन, निमंत्रण जो है दो प्रकार का होता है। ध्यान दो बच्चों पे, ब्लैक बोर्ड पे, इस काइंड्स का मतलब होता प्रकार, आव का मतलब होता काके की, इनविटेशन का मतलब आमंत्रण, इन आमंत्रण के प्रकार या निमंत्रण के प्रकार। टाइप्स ऑफ इनविटेशन इन निमंत्रण के प्रकार। तो ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे, इनविटेशन कितने प्रकार के होते हैं, टू। यस, यहां पे देखो पहला आपका है एफ ओ आर एम एल, आर साइलेंट होगा बच्चों, इसको फॉर्मल पढ़ेंगे, फॉर्मल अ इन अ वी अटेशन, ब्लैक बोर्ड पे देखना। दूसरा इसका यहां पे है अ इन अ फॉर्मल अ इन अ वी अटेशन, ब्लैक बोर्ड पे देखो। इस फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, इस इनविटेशन का मतलब होता है आमंत्रण, तो इस फॉर्मल इनविटेशन का मतलब होता है औप अचा अरिक औपचारिक नी अमंत्रण। यस बच्चों, पहला हो गया। दूसरा यहां पे है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक, इनविटेशन का मतलब आमंत्रण अर्थात नौप अचारिक अनी अमंत्रण। यस बच्चों, ब्लैकबोर्ड पे देखो, यहां पे मैंने आपको बताया कि ये जो इनविटेशन है ये कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला हो गया बच्चों फॉर्मल इनविटेशन औपचारिक निमंत्रण, दूसरा यहां पे हो गया इनफॉर्मल इनविटेशन का मतलब अनौपचारिक निमंत्रण। अब बच्चों आपके मन में यह होगा कि फॉर्मल इनविटेशन किसे कहते हैं और इनफॉर्मल इनविटेशन किसे कहते हैं। ब्लैकबोर्ड पे एकदम ध्यान से सुनो, मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मल इनविटेशन किसे कहते हैं। ब्लैकबोर्ड पे देखो बच्चों, जब कोई पर्सन, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति
किसी व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए अर्थात निमंत्रण देने के लिए अगर वह प्रिंटेड कार्ड का मतलब होता है छपे हुए कार्ड का उपयोग करता है, प्रिंटेड का मतलब होता छपा हुआ कार्ड। यानी जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को निमंत्रण देने के लिए अगर वह प्रिंटेड कार्ड यानी छपे हुए कार्ड का उपयोग करता है तो उस इनविटेशन को बच्चों हम लोग फॉर्मल इनविटेशन कह करके पुकारते हैं। यस, जैसे बच्चों हम लोग मान लो हमारे घर पे किसी का विवाह है और उसके विवाह के लिए जो कार्ड छपा है उसी एक कार्ड को हम किसी दूसरे व्यक्ति को दे करके उसे निमंत्रण देते हैं अर्थात उसको आमंत्रित करते हैं तो जो छपा हुआ कार्ड दिया वो कौन सा इनविटेशन कहा जाएगा? फॉर्मल इनविटेशन अर्थात औपचारिक निमंत्रण। यस, अब आओ देखो बच्चों यहां पे इनफॉर्मल इनविटेशन किसे कहते हैं? ब्लैकबोर्ड पे देखो, जब कोई पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इनवाइट का मतलब होता बच्चों आमंत्रित करने के लिए प्रिंटेड कार्ड नहीं देता है बल्कि एक पेपर का मतलब होता कागज पर, राइट का मतलब होता है लिखना अर्थात एक रिटन का मतलब होता लिखित है, लेटर है यानी लेटर का मतलब होता पत्र है, अगर वो उसको लिख करके आमंत्रित करता है तो इस इनविटेशन को हम लोग इनफॉर्मल इनविटेशन यानी अनौपचारिक आमंत्रण कह करके पुकारते हैं। यस बच्चों, ब्लैकबोर्ड पे देखो, जैसे मान लो मेरे घर पे मेरे बड़े भाई की शादी है और उसमें 100 कार्ड छपाया गया था, वो कार्ड पूरा का पूरा समाप्त हो गया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरा प्रिय मित्र सूरज शर्मा जी को तो मैंने आमंत्रित ही नहीं किया, तो अब उनको आमंत्रित करने के लिए मैं कार्ड ना छपा करके बल्कि एक पन्ने पे लिख करके उन्हें आमंत्रित कर दिया तो वो जो निमंत्रण या आमंत्रण होगा बताइए उसे क्या कहोगे? इनफॉर्मल इनविटेशन अर्थात अनौपचारिक निमंत्रण। यस, फिर से सुनना बच्चों, मैंने यहां पे आपको बताया फॉर्मल इनविटेशन क्या होता है, इनफॉर्मल इनविटेशन किसे कहते हैं, तो यहां पे बताया फॉर्मल कि अगर कोई व्यक्ति किसी को आमंत्रित करने के लिए प्रिंटेड कार्ड का मतलब होता छपा हुआ कार्ड दे करके उसे निमंत्रण देता है या आमंत्रित करता है अपने घर आने के लिए या अपने समारोह या उत्सव में आने के लिए, तो वह कौन सा कार्ड दिया बच्चों? प्रिंटेड का मतलब होता छपा हुआ कार्ड दिया, उसे क्या कहोगे? फॉर्मल इनविटेशन। यस, दूसरा बच्चों इनफॉर्मल, तो जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए छपा हुआ कार्ड नहीं बल्कि एक पेपर का मतलब होता कागज पे, राइट का मतलब होता लिख करके यानी रिटन लेटर का मतलब होता लिखित में एक पत्र दे करके अगर किसी को आमंत्रित किया जाए तो उस निमंत्रण पत्र को हम लोग क्या कहते हैं? इनफॉर्मल इनविटेशन अर्थात अनौपचारिक निमंत्रण पत्र है। यस बच्चों, अब थोड़ा सा प्रिय विद्यार्थियों एकदम ध्यान से ब्लैक बोर्ड पर देखो आपके 12वीं के बोर्ड के परीक्षा में ये फॉर्मल इनविटेशन हल करने के लिए नहीं आता है, ये इनफॉर्मल इनविटेशन हल करने के लिए बोर्ड में प्रश्न नहीं आते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इन्हें आपको हाउ टू सॉल्व फॉर्मल इनविटेशन नहीं आता परीक्षा में, हाउ टू सॉल्व इनफॉर्मल इनविटेशन परीक्षा में नहीं आता, आपको प्रश्न जो है इस फॉर्मल और इनफॉर्मल के रिप्लाईज का मतलब होता प्रत्युत्तर देना यानी जवाब देने पे बोर्ड में आप प्रश्न आता है, तो ध्यान दो बच्चों ब्लैकबोर्ड पे देखो,
देखो बच्चों, मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपके परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वह फार्मल और इनफार्मल हल करने के लिए नहीं आता है। इसमें आपको परीक्षा में जो प्रश्न आता है वह किस पे आता है? रिप्लाईज पे। यस, रिप्लाई का मतलब होता है बच्चों जवाब देना, यानी प्रत्युत्तर देना। अभी दो प्रकार के होते बच्चों, एक इसमें होता है आपका एक्सेप्ट है, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और दूसरा इसमें आता आपका डिक्लाइन, इस डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकार करना। ध्यान देना बच्चों ब्लैक बोर्ड पे, यानी बोर्ड में आपको जो सवाल पूछा जाता है तो इस फार्मल इनविटेशन के रिप्लाई पे या इस इनफार्मल इनविटेशन के रिप्लाई पे पूछा जाता है। अब रिप्लाई जो होता है वह दो होता है, एक यहां पे एक्सेप्ट का मतलब होता स्वीकार करना, और दूसरा यहां पे होता है डिक्लाइन, इस डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकार करना। ब्लैकबोर्ड पे देखो, मैं आपको समझा रहा हूं कि एक्सेप्ट क्या होता है और डिक्लाइन क्या होता है। ब्लैकबोर्ड पे ध्यान दो बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहां पे जैसे राम हो गया और मैंने यहां पे लिख दिया मोहन। राम और मोहन ये दोनों बच्चों आपस में क्या है? रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब सगे संबंधी है। यस, अब देखो इस राम के अगर है सन का मतलब होता पुत्र का, बर्थडे। यस बच्चों, बर्थडे का मतलब होता जन्मदिन। अगर इस राम के पुत्र का जन्मदिन आ गया और इस राम ने एक छपे हुए कार्ड को लेकर के बताओ किसे दे दिया? इस मोहन को दे दिया। यस, तो ध्यान दो बच्चों, गौर करो बच्चों, अब बताओ राम ने कौन सा कार्ड दिया? प्रिंटेड। यानी प्रिंटेड का मतलब होता छपे हुए कार्ड को दिया। बताओ किसको दिया? छपे हुए कार्ड को दिया। तो ये राम के द्वारा जो मोहन को दिया जाने वाला इनविटेशन है वो कौन सा हुआ? फार्मल, फार्मल हो गया। अब अगर ये फार्मल इनविटेशन हो गया तो बच्चों अब फार्मल इनविटेशन हल करने के लिए नहीं आता है, बोर्ड में तो प्रश्न पूछा जाता है रिप्लाई पे। तो अब आप बताओ जवाब कौन देगा, राम देगा कि मोहन देगा? जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि मोहन देगा, क्योंकि जो प्राप्त करेगा जवाब वही देगा। तो जवाब कौन देगा? मोहन। अगर मोहन ने उस निमंत्रण को प्राप्त करके उसने कहा कि मुझे ये जान करके बेहद खुशी हो रही है कि आपके पुत्र का जन्मदिन है, मैं आपके पुत्र के जन्मदिन में जरूर आऊंगा, तो बताइए बच्चों मोहन ने इसे क्या किया? एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार किया। मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेप्ट है स्वीकार करके किस प्रकार से प्रश्न को हल किया जाता है। दूसरा सुनो बच्चों, अगर मोहन ने कहा मुझे जान करके बेहद खुशी हुई कि आपके पुत्र का जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैं आपके पुत्र के जन्मदिन में नहीं आ सकता, क्योंकि उसी दिन मुझे किसी जरूरी काम से वाराणसी जाना है, तो अब बताओ प्यारे विद्यार्थियों किस मोहन ने इस आमंत्रण को एक्सेप्ट किया कि डिक्लाइन किया? जाहिर से आप बताओगे कि डिक्लाइन किया। यस, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस फार्मल इनविटेशन का एक्सेप्ट कैसे लिखा जाता है, इस फार्मल इनविटेशन का डिक्लाइन है कैसे लिखा जाता है, इसको किस प्रकार से हल किया जाता है, ये सारा फार्मूला मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा बच्चों। अब आते हैं इस इनफार्मल का, ध्यान दो, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया राधा और यहां पे सीता। राधा और सीता दोनों जो है वह फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब होता मित्र है, अर्थात राधा और सीता सहेली है। अब बच्चों इस राधा के इल्डर का मतलब होता बड़ी, सिस्टर का मतलब होता बहन का, ठीक है। मैरिज का मतलब होता बच्चों विवाह आ गया है, यानी राधा के बड़ी बहन का विवाह आ गया। अब उसके लिए इस राधा ने अपने सहेली सीता को आमंत्रित किया। यस बच्चों, क्या किया इसने?
मान लो राधा ने घर पे इसके 100 कार्ड छपे थे और सभी के सभी कार्ड बांट दिए गए। बाद में इस राधा को यह पता चलता है कि उसने अपने सहेली सीता को आमंत्रित नहीं किया, तो राधा ने एक पन्ने को उठा करके उस पे लिखा कि मेरी सहेली, तुम्हें यह बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मेरी बड़ी बहन की शादी होने जा रही है और तुम्हें उस शादी में जरूर आना है। एक पन्ने पे लिख करके उसने किसको दे दिया? सीता को। तो अब आप बताओ बच्चों कि राधा ने जो सीता को पन्ने पे लिख करके दिया वो फॉर्मल इनविटेशन होगा कि इनफॉर्मल होगा? जाहिर से आप बताओगे कि वह कौन सा होगा? इनफॉर्मल होगा। तो मैंने आपको बताया कि इस इनफॉर्मल में भी एक्सेप्ट और डिक्लाइन आता है। यस, अब बच्चों अगर सीता ने उसे स्वीकार करके उसने कहा कि मुझे जान करके बेहद खुशी हो रही है कि तुम्हारी बड़ी बहन की शादी होने जा रही है, अरे मुझे तो इस दिन का बड़े बेसब्री से इंतजार था, मैं तुम्हारी बहन की शादी में जरूर आऊंगी, तो बताओ सीता ने क्या किया? एक्सेप्ट किया। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेप्ट पे किस प्रकार से अहल प्रश्न को किया जाएगा। अगर सीता ने कहा कि मुझे जान करके बेहद खुशी हो रही है कि तुम्हारी बड़ी बहन की शादी होने जा रही है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन की शादी में नहीं आ सकती क्योंकि उसी दिन मुझे किसी जरूरी काम से जयपुर जाना है, तो अब बताओ बच्चों कि सीता ने इस राधा के आमंत्रण को, निमंत्रण को एक्सेप्ट किया कि डिक्लाइन किया? जाहिर सी है आप बोलोगे उसने नकार दिया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब अस्वीकार करना। तो बच्चों अब इस बात से साबित होता है कि इस फॉर्मल इनविटेशन में भी रिप्लाई आता है एक्सेप्ट और डिक्लाइन। इस इनफॉर्मल में भी रिप्लाई आएगा एक्सेप्ट और डिक्लाइन, और उस प्रश्न में साफ साफ लिखा रहता है कि आपको फॉर्मल का एक्सेप्ट या डिक्लाइन लिखना है कि इनफॉर्मल का एक्सेप्ट या डिक्लाइन लिखना है। प्रश्न में बच्चों एकदम क्लियर रूप से दिया होता है कि आपको फॉर्मल का एक्सेप्ट और डिक्लाइन करना है, दोनों में से कोई एक करना है, या तो एक्सेप्ट या तो डिक्लाइन। इस इनफॉर्मल का आपको एक्सेप्ट करना है कि डिक्लाइन करना है वो प्रश्न में दिया होता है। तो मैं आपको बच्चों यहां पे इतना बता दिया, काइंड ऑफ इनविटेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो, फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन। बोर्ड में इस फॉर्मल और इनफॉर्मल को हल करने के लिए प्रश्न नहीं आता, इसमें प्रश्न किस पे आता है? रिप्लाईज पे। अब रिप्लाईज दो होते हैं, एक एक्सेप्ट होता है दूसरा डिक्लाइन होता है। तो अब बच्चों एक्सेप्ट क्या होता है, डिक्लाइन क्या होता है, यह मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। फिर से सुनना बच्चों एक बार, मान लो अब अगर छपा हुआ कार्ड होगा तो फॉर्मल होगा, अगर लिख करके देगा तो इनफॉर्मल होगा, तुरंत पता चल जाएगा। प्रश्न में दिया होता है कि यह फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, यस, और यह भी दिया रहता है कि अगर फॉर्मल है तो उसका एक्सेप्ट करना है कि डिक्लाइन करना है, अगर इनफॉर्मल है तो उसका एक्सेप्ट करना है कि डिक्लाइन करना है। प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको सूत्र बताऊंगा किस तरीके से इस फॉर्मल का हल होगा और इस तरीके से इस इनफॉर्मल का हल किया जाएगा, यस। तो अभी आप इतना जान के रखो कि इनविटेशन दो प्रकार का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इन दोनों पे बोर्ड में प्रश्न नहीं आता है, प्रश्न किस पे आता है? रिप्लाईज पे। रिप्लाईज कितने होते हैं? दो, एक एक्सेप्ट होता है और एक डिक्लाइन होता है। तो प्रश्न बोर्ड में एक्सेप्ट और डिक्लाइन पर पूछा जाता है, यस बच्चों। अब आओ हम लोग चलते हैं, मैंने आपको इनविटेशन का अर्थ बता दिया, इनविटेशन के प्रकार बता दिया, अब आओ बताता हूं आपको कि इस फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन की विशेषता क्या होती है। लो ब्लैक बोर्ड पे बच्चों,
यस बच्चों आप ब्लैक बोर्ड पे देखो, यानी इस फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन की विशेषता क्या होती है। तो देखो यहां पे द फीचर्स आव फॉर्मल एंड इन अ फॉर्मल इन वी अटेशन। ब्लैक बोर्ड पर देखो बच्चों, यहां पे इस फीचर्स का मतलब होता है विशेषता। फीचर्स का मतलब क्या होता है? विशेषताएं। आव का मतलब होता है काके की। इस फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। एंड का मतलब होता और है। इस इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक। इनविटेशन का मतलब होता है आमंत्रण। अर्थात इस औपचारिक और अनौपचारिक आमंत्रण की विशेषताएं क्या होती है, अर्थात इस औपचारिक और अनौपचारिक आमंत्रण के निमंत्रण के विशेषताएं। यस, तो मैं बच्चों यहां पे लिखता हूं आपका, जैसे अफा अमल अ इन अ वी अटेशन। फिर बच्चों यहां पे मैं लिखता हूं आपका अ इन अ फॉर्मल अ इन अ वी अटेशन। प्यारे विद्यार्थियों एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि जो आपको बताऊंगा वो आगे हल करते समय उसका उपयोग होगा, इसलिए एकदम ध्यान से देखो। देखो मैंने यहां पे लिख दिया फॉर्मल इनविटेशन, यहां पे लिख दिया इनफॉर्मल इनविटेशन। मैं पहली विशेषता बताने जा रहा हूं, सुनो ब्लैक बोर्ड पे। ये जो फॉर्मल इनविटेशन होगा, जब आप इसे हल करोगे तो यह हमेशा अ थर्ड है, अ पर्सन। यस बच्चो ब्लैक बोर्ड पर देखो, इस पर्सन यानी पर्सन का मतलब होता है अ पुरुष है। पुरुष तीन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो ये जो फॉर्मल इनविटेशन है यह हमेशा थर्ड पर्सन में ही लिखा जाएगा। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि थर्ड पर्सन कौन कौन होते हैं, तो मैं बता रहा हूं बच्चों। जैसे यहां पे ही होता है, जैसे यहां पे सी हो गया, जैसे इट हो गया, जैसे यहां पे दे हो गया, या जैसे यहां पे नेम हो गया, ये सभी के सभी बताओ क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। तो ये जो फॉर्मल इनविटेशन हल करोगे तो उसमें जो प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, जो सर्वनाम आएगा वो कौन सा पर्सन आएगा? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का ही उपयोग है किया जाएगा। ये सबसे बेहतर बात है बच्चों। अब आ जाओ इस इनफॉर्मल का देखो, ये जो इनफॉर्मल होगा इसमें थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का उपयोग नहीं होगा। तो होगा क्या? इसमें अ फर्स्ट है, अ पर है, अ सन एंड है, अ सेकेंड है, अ पर्सन। यानी इस इनफॉर्मल में फर्स्ट पर्सन का मतलब बच्चों प्रथम पुरुष एंड सेकंड पर्सन का मतलब होता मध्यम पुरुष है। इस इनफॉर्मल इनविटेशन में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का उपयोग किया जाएगा। जैसे फर्स्ट पर्सन में होता है आई और यहां पे क्या होता वी। सेकंड पर्सन बच्चों जैसे यहां पे होता यू। तो ये एकदम हमेशा बी केयरफुल होकर के ध्यान रखना कि अगर फॉर्मल इनविटेशन होगा तो वह किसमें हल होगा? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का यूज होगा। और अगर इनफॉर्मल इनविटेशन होगा तो फर्स्ट पर्सन या तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का उपयोग है किया जाएगा। ये बच्चों सबसे पहली विशेषता है और सबसे मस्ट है। यस, अब आ जाओ रूल नंबर इसका सेकंड विशेषता क्या है दूसरा इसमें बच्चों, कि ये जो फॉर्मल इनविटेशन होगा इसमें आपका डेट है, मंथ है और यहां पे अ ईयर है। ब्लैक बोर्ड पे देखो, डेट का मतलब होता दिनांक, मंथ का मतलब होता महीना और ईयर का मतलब होता वर्ष है। यानी जब आप फॉर्मल इनविटेशन हल करोगे तो जिस दिन उस कार्ड को छापा जाएगा
उस दिन की डेट है, मंथ है और ईयर है नहीं लिखा जाता है। आप तो जानते हो बच्चों, आपके घर जो कार्ड छपता है उस कार्ड पे उस कार्यक्रम की डेट मंथ ईयर होती है। जो प्रिंटर है उस कार्ड को छापा जिस दिन, उस दिन की डेट है, मंथ है और ईयर नहीं होती है। जबकि इस इनफॉर्मर में क्या होता है, ब्लैकबोर्ड पे देखो, इसमें डेट है, मंथ है और प्लस है ईयर। अर्थात बच्चों, ये जो इनफॉर्मर एडमिशन होगा इसमें डेट है, मंथ है और ईयर है अवश्य लिखा जाएगा। जो व्यक्ति जिस दिन उस इनविटेशन को लिखेगा वो उस दिन की डेट है, मंथ है और ईयर है अवश्य लिखता है। यस बच्चों, तो ध्यान रखो यहां पे डेट, मंथ और ईयर का उपयोग नहीं किया जाता है, और यहां पे डेट, मंथ और ईयर का उपयोग अवश्य किया जाता है। तीसरा देखना बच्चों, तीसरा होता है इसमें असिग, अने, अचर। इस सिग्नेचर का मतलब होता है अहस्ताक्षर है, यानी ये जो फॉर्मल इंडिशन होगा, जो व्यक्ति उस कार्ड को छापेगा वह अपना हस्ताक्षर नहीं करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब इस फॉर्मल इंडिशन में सिग्नेचर का मतलब हस्ताक्षर नहीं किया जाता है, जबकि इस इनफॉर्मल इंडिशन में सिग है, नेचर है, सिग्नेचर का मतलब होता अहस्ताक्षर है, यानी हस्ताक्षर अवश्य किया जाता है। यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड के देखना, इस फॉर्मल में सिग्नेचर है, हस्ताक्षर नहीं किया जाता है, जबकि इस इनफॉर्मल में सिग्नेचर हस्ताक्षर अवश्य किया जाता है। जो व्यक्ति इस इनफॉर्मल को लिखेगा वो सबसे अंत में अपना नाम अवश्य लिखेगा। यस बच्चों, अब आ जाएंगे हम लोग इसकी चौथी विशेषता, इसमें एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है पता। ब्लैकबोर्ड पे देखना बच्चों, एड्रेस का मतलब होता है पता। इस फॉर्मल में एड्रेस को लिखते कहां, सबसे नीचे। कहां लिखते हैं बच्चों, सबसे नीचे। किस तरह, लेफ्ट है, अ हैंड है, अ साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बाई तरफ। ब्लैक बोर्ड पर देखो बच्चों, इस फॉर्मल इंडिशन में एड्रेस का मतलब होता पता। लिखा जाता है कहां, सबसे नीचे। किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बाई तरफ। यस, अब आओ देखो इसमें कहां लिखा जाता है, तो इस इनफॉर्मल में भी एड्रेस, इस एड्रेस का मतलब होता पता। इस पते को लिखा जाता है लेकिन कहां, सबसे ऊपर है। कहां लिखते हैं बच्चों, सबसे ऊपर। किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बाई तरफ। ब्लैक बोर्ड पर देखना, ये जो चौथी विशेषता बताया मेरे बच्चों, इसमें आता है एड्रेस। तो एड्रेस देखो, इसमें भी एड्रेस आता है, इसमें भी एड्रेस आता है, लेकिन इसमें एड्रेस जो आता है वो सबसे नीचे बाई तरफ, और इसमें जो एड्रेस आता है वो सबसे ऊपर है बाई तरफ। यस, तो एड्रेस जो है वो दोनों में लिखा जाता है, इसमें भी लिखा जाता है और इसमें भी लिखा जाता है। इस फॉर्मल में सबसे नीचे बाई तरफ और इस इनफॉर्मल में सबसे ऊपर बाई तरफ। यस, अब आ जाओ बच्चों पांचवा, इसमें आर है, यस है, वीपी। इसमें आर एस वीपी का उपयोग है, किया जाता है। किसमें, ये जो फॉर्मल इन्विटेशन है इसमें आर एस वीपी का उपयोग है, किया जाता है। जबकि बच्चों इस इनफॉर्मल में आर है, यस है, वीपी का उपयोग है नहीं किया जाता है। इस आरएसवीपी का मतलब होता बच्चों रिप्ले। रिप्ले का मतलब होता है जवाब देना, जिसे रिप्लाई कहा जाता है।
रिप्लाई, इफ का मतलब होता यदि, यू का मतलब होता आप, प्लीज का मतलब होता चाहना। अगर आप चाहो तो इस आरएसवीपी के नीचे लिखे गए पते पर ही आप जवाब दोगे। रिप्लाई का मतलब जवाब देना, इफ का मतलब यदि, यू का मतलब होता आप, प्लीज का मतलब चाहो। अगर आप चाहो तो इस आरएसवीपी के नीचे लिखे गए पते पर ही आपको जवाब देना है। जबकि इस इनफॉर्मल में इस आरएसवीपी का उपयोग नहीं किया जाता है। वंस अगेन एक बार फिर से देखना बच्चों। देखो बच्चों, मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं आपको, फीचर्स है का मतलब होता विशेषताएं, आउ का मतलब होता काके की, इस फॉर्मल का मतलब औपचारिक, इन फॉर्मल का मतलब अनौपचारिक, इनविटेशन का मतलब आमंत्रण। इन इस औपचारिक और अनौपचारिक का निमंत्रण के विशेषताएं, पांच विशेषता इस फॉर्मल की बताया और पांच विशेषता इस इनफॉर्मल की बताया। ब्लैक बोर्ड पे देखो, पहली विशेषता ध्यान दो बेटा, मैं आपको यहां पे बताया हूं थर्ड पर्सन, पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ध्यान रहे इस फॉर्मल इंडिशन हमेशा किस पर्सन में लिखा जाता, थर्ड पर्सन। इन थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, इन थर्ड पर्सन के सर्वनाम का उपयोग है किया जाता है, जैसे ही, सी, इट, दे और नेम। यस बच्चों, जबकि इस इनफॉर्मल में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अप्रो नाउन, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के सर्वनाम का उपयोग है किया जाता है, जैसे फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू। यस बच्चों, दूसरा इस फॉर्मल में डेट मंथ और ईयर, यानी जिस दिन उस पत्र को लिखा जाता है अर्थात उस कार्ड को छापा जाता है, उस दिन की डेट है, मंथ है और ईयर है नहीं लिखा जाता है। यस बच्चों, जबकि इस इनफॉर्मल में जिस दिन उस पत्र को लिखा जाएगा उस दिन की डेट है, मंथ है और ईयर है अवश्य लिखा जाएगा। दो हो गई बच्चों। तीसरा, इस फॉर्मल में सिग्नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर, यानी हस्ताक्षर नहीं किया जाता है, जबकि इस इनफॉर्मल में सिग्नेचर का मतलब हस्ताक्षर अवश्य किया जाता है। यस बच्चों, फिर आता है एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता पता, पता दोनों में आता है इस फॉर्मल में सबसे नीचे और बाई तरफ, जबकि इन फॉर्मल में सबसे ऊपर और बाई तरफ, इन दोनों में बाई तरफ आता है, इस इन फॉर्मल में सबसे ऊपर और इस फॉर्मल में सबसे नीचे। यस, पांचवा इस फॉर्मल में आरएसवीपी का उपयोग किया जाता है। यस बच्चों, अंत में आरएसवीपी का उपयोग किया जाता है पते से ऊपर, और इसमें आरएसवीपी का उपयोग नहीं किया जाता है। इस आरएसवीपी का मतलब होता बच्चों रिप्लाई, इफ यू प्लीज, अगर आप चाहो तो इसी पे प्रत्युत्तर है या जवाब देना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको तीन चीज बता चुका हूं। सबसे पहले इस इनविटेशन की हिंदी बताया, इनविटेशन का अर्थ बताया, इनविटेशन का अर्थ क्या होता है, इनविटेशन कहते किसे हैं। फिर मैंने आपको बताया काइंड्स ऑफ इनविटेशन, इनविटेशन कितने प्रकार के होते हैं, परीक्षा में आपको सिलेबस में है कौन सा, तो ध्यान रखना रिप्लाइज है फॉर्मल और इनफॉर्मल का रिप्लाइज है, एक्सेप्ट और डिक्लाइन दोनों। फिर तीसरा बताया इस फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन की विशेषताएं, तो बच्चों पांच विशेषता मैंने इस फॉर्मल का बताया और पांच विशेषता मैंने आपको इस इनफॉर्मल का बताया। इन सब बातों पे विशेष ध्यान रखना
अगले टॉपिक में मैं आपको बच्चों ये बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व है, हाउ टू सॉल्व है एक्सेप्ट है एंड डिक्लाइन आव है फॉर्मल इनविटेशन, हाउ टू सॉल्व है एक्सेप्ट है एंड डिक्लाइन आव है इनफॉर्मल इनविटेशन। यानी फॉर्मल इनविटेशन का एक्सेप्ट और डिक्लाइन कैसे हल किया जाएगा और इस इनफॉर्मल के इनविटेशन का एक्सेप्ट और डिक्लाइन किस प्रकार से किया जाएगा। आज के लिए आपका इतना पर्याप्त है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।